गुड इवनिंग स्टूडेंट्स देखो भाई आज का जो अपना टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती या जिसे आप क्या बोल देते हैं कार्बनिक खेती है वो भी बोल देते हैं देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग या जो कार्बनिक खेती या जिसको आप बोल देते हैं जैविक खेती एग्रोनॉमी और डेवलपमेंट ब्रांच में तो जो वैकल्पिक विषय है यानी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें भी ये टॉपिक है बाकी जीएस में तो सबके लिए है ही इस बात में कोई डाउट ही नहीं है बात करते हैं अपने इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि अगर जीएस में आए तो आपके पास मैक्सिमम अगर वर्ड है तो वन ट्वेंटी फाइव वहां पे कैसे लिखना है और मेंस में यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट में आ जाए तब कैसे लिखना है नॉलेज तो दोनों ही केस में होना जरूरी है तो पहले हम टॉपिक टॉपिक को टौपिक की तरह देखते हैं और उसके बाद अपने बात करते हैं कि इसको किस तरह से अपने को राइटिंग है वो करनी है ठीक है चलिए सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है एक जनरल मीन से आपको समझना है यानी एक दिमाग में बैठ जाए ताकि कल को एकदम एक्यूरेट डेफिनेशन के शब्द न आए तो कम से कम हम हमारी डेफिनेशन कुक करके तो लिख सके ना हमारी खुद की जो परिभाषा है वो तो लिख पाए हम देखो हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बोल दूंगा बिना रसायनों के तथा अनुवांशिक रूपांतरित फसलों के की जाने वाली खेती को कार्बनिक खेती या जैविक खेती कहते हैं जो पारिस्थितिकी के अनुसार या फिर मतलब हम क्योंकि एक जैविक खेती भी यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है तो कल को क्वेश्चन ऐसा भी तो आ सकता है कि कार्बनिक खेती को जैविक खेती में डिफरेंस क्या है तो हमें कार्बनिक खेती की बिल्कुल सटीक डेफिनेशन पे चलना है तो मैं क्या बोल रहा था बिना रसायनों तथा अनुवांशिक रूपांतरिक फसलों के की जाने वाली खेती कार्बनिक खेती कहलाती है जो प्राकृति पर या पारिस्थितिकी पर बुरा प्रभाव है नहीं डालती है तथा मर्दा की उर्वरता है उसको भी बनाए रखती है तो उसे अपने क्या बोल देंगे भाई कार्बनिक खेती बोल देंगे दिमाग में आपको ये चार बातें याद रखनी है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए फार्मिंग इन विच फर्टिलाइजर एंड जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप आर नॉट यूज एंड इट मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस एंड सॉइल फर्टिलिटी यानी कहने का मतलब कार्बनिक खेती या जैविक खेती वो खेती है जिसमें रसायनों का और अनुवांशिक रूपांतरित फसलें जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप होती है ना उनका भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है ये पारिस्थितिकी के संतुलन के लिए अच्छी है और मरदा उर्वरता के लिए अच्छी है ठीक है तो चलिए ये तो मैंने आपको एक मोटा मोटा ऐसा डेफिनेशन बताया है कि हमें खुद को कुक करना पड़ जाए तब की बात है ध्यान रखिएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग और जो नेचुरल फार्मिंग है उसमें डिफरेंस क्या होता है बाकी तो पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ लेते हैं फिर नेचुरल फार्मिंग पढ़ेंगे तो डिफरेंस क्लियर करेंगे आपको लेकिन फिर भी मैं शुरू में ही क्लियर कर देता हूं ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये होता है कि आप क्या है केमिकल यूज नहीं करेंगे जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप है वो यूज नहीं करेंगे कहने का मतलब रसायन कोई सा भी यूज नहीं करेंगे किसी भी प्रकार का कोई केमिकल चाहे वो फर्टिलाइजर है चाहे वो कोई पेस्टिसाइड है कुछ भी भी केमिकल आप आप यूज नहीं करेंगे। आप फसल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे करेंगे प्लस मॉडिफाइड अनुवांशिक फसल इस्तेमाल बाकी कार्बनिक खेती के अंदर आप क्या करते हैं जो कमर्शियल टाइप की खेती होती है ना वो कर सकते हैं कोई समस्या नहीं व्यवसायिक स्तर पर जो आप खेती करते हैं बस आपको रसायनों का इस्तेमाल नहीं करना और जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप है उसका इस्तेमाल नहीं करना है रसायनों का इस्तेमाल क्यों नहीं करना है भाई रसायन है वो इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ते हैं और मिट्टी की फर्टिलिटी को उजाड़ते हैं जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप क्यों नहीं यूज करनी है क्योंकि ये माना जाता है जो प्रकृति प्रेमी है उन सभी साइंटिस्ट या फिलोसफर्स की मानना है कि ये कल को बायोडाइवर्सिटी पे यानी जैव विविधता पे बहुत बड़ी मार हो सकती है यानी बायोडाइवर्सिटी है उसको खत्म कर रहे हैं जैव विविधता है उसको ये खत्म करते हैं जो अनुवांशिक रूपांतरित होते हैं ठीक है बाकी आप कमर्शियल स्टाइल से कर सकते हैं जैसे मिट्टी की जुताई टिलेज कर सकते हैं बाकी सारे ऑपरेशन कमर्शियली आप कर सकते हैं तो ये इकोलॉजी को डैमेज नहीं करती है यानी पारिस्थितिकी को नुकसान नहीं पहुंचाती है या फिर इसका कम प्रभाव रहता है ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करती है मतलब पारिस्थितिकी पे इसका इंपैक्ट कम जाता है सोयल फर्टिलिटी पे इसका इंपैक्ट कम जाता है मतलब इंपैक्ट जाएगा तो इतना सा जाएगा कि वो कहीं ना कहीं रिसाइकलिंग में पूरा हो जाएगा वहीं पे जैविक अपने आगे जैविक क्या नेचुरल फार्मिंग पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा देखो भाई नेचुरल फार्मिंग के अंदर आप केमिकल तो वहां भी यूज नहीं करते जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप भी वहां यूज नहीं करते लेकिन जो भी कंपोनेंट शामिल करते हैं जैसे आप क्रॉप शामिल करेंगे ट्रीज है वो भी शामिल करेंगे और जो एनिमल्स है वो भी शामिल करेंगे करने हैं वो है ना स्थानीय परिस्थिति क्योंकि डाइवर्सिटी को वहां पर रखना होता है नेचुरल फार्मिंग में प्राकृतिक खेती में आप डाइवर्सिटी के साथ खेती करते हैं हमेशा तो उसमें आप लोकल इकोलॉजी की क्रोप लेते हैं लोकल इकोलॉजी के ही ट्री क्या है आप यूज करते हैं ठीक है और लोकल इकोलॉजी के ही पशु वगैरह आप यूज करते हैं यानी आप कहने का मतलब कोई इंट्रोड्यूस आप किसी भी प्रकार का कोई इंट्रोड्यूस वेराइटी यूज नहीं करते हैं है ना मतलब जो बाहर से अपनी जो स्थानीय पारिस्थितिकी का कंपोनेंट नहीं है ना उसको इस्तेमाल नहीं करते एक तो ये होता है दूसरा आप मिट्टी में किसी भी प्रकार का कोई टिलेज नहीं करते यानी सोइल स्ट्रक्चर है या सोइल की फर्टिलिटी को किसी भी प्रकार से आप नुकसान है वो नहीं पहुंचाते और जो फसलें हैं आपने जो फसल लगाई है और जो सिल्वी कल्चर ट्री लगाए हैं यानी पेड़ लगाए हैं तो उनके जो रेजिड्यूस है ना उनको भी खेत से नहीं हटाते वो भी मिट्टी पे ही पड़े रहने देते हैं वो मल्चिंग का काम करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का काम करते हैं जिससे सोयल फर्टिलिटी बढ़िया रहती है तो नेचुरल फार्मिंग हमेशा ही पूरे इकोलॉजिकल फ्लो में ही होती है नेचुरल फार्मिंग जो होती है वो हमेशा ही पूरे का पूरा क्या है इकोलॉजिकल फ्लो के अंदर ही होती है बिल्कुल पारिस्थितिकी के फ्लो के अंदर होती है पूरी तरह से पारिस्थितिकी के फेवर में होती है है ना बिल्कुल भी उसका बेड इंपैक्ट नहीं जाएगा और न ही सॉइल फर्टिलिटी पे जाएगा ये लिटिल बिट डिफरेंस होता है ये लिटिल बिट क्या है डिफरेंस होता है अर्पित दुबे जी जीएस के अंदर टॉपिक है ये जीएस के अंदर टॉपिक है इसलिए सभी को कॉमन करवाया जा रहा है ठीक है साइंस का जो टॉपिक टॉपिक है है वो बजे करवाया जाएगा रात में ये कॉमन ठीक है, है ये कॉमन टॉपिक है जीएस का टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है जीएस भी तो मेरे को करवाना है ना एग्रीकल्चर का समझ रहे हो आप तो उसका टॉपिक है सोयल की जो क्लास है वो आपकी रात को साढ़े नौ बजे होगी आपने ही तो बोला था सबने भाई थोड़ा सिलेबस खिंचवा दो तो सिलेबस की पड़ेंगे तो एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए आपको तैयार तो रहना पड़ेगा चलिए अभी अपने बात कर रहे थे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मिंग और जो नेचुरल है 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 उसमें ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना ना भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग केमिकल मत यूज करो जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप मत यूज करो बाकी कमर्शियल फार्मिंग आप करो टिलेज करो है ना बाहर की कोई क्रॉप है वो भी आप लगा सकते हैं हमारी इकोलॉजी की नहीं है उसे भी आप क्या है लगा सकते हैं समझ रहे हो लेकिन नेचुरल फार्मिंग में ऐसा नहीं होगा लोकल इकोलॉजी को ध्यान में रखना पड़ेगा सोयल है उसमें किसी भी प्रकार का इन्वर्जन नहीं कर सकते मिट्टी में किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल है वो आप नहीं कर सकते ये तो डिफरेंस बताया। कल को डिफरेंस क्लियर रहना जरूरी है ठीक है क्लियर स्टूडेंट्स चलिए तो अब देखो हम चलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग अब लिखने के हिसाब से बात करें एक तो सबसे पहले कॉमन डेफिनेशन उसके बाद अपने FAO की डेफिनेशन ले लेते हैं एक यूएसडी uh, की डेफिनेशन ले लेते हैं तो तीन अगर डेफिनेशन ले लेते हैं तो बड़ा इंप्रेसिव आपका रोल रहता है लेकिन अगर आप जीएस में पूरे का पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में ही लिखना आ गया तब तो ठीक है हम तीन डेफिनेशन पे विचार कर सकते हैं लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में डिफरेंस अगर आपसे पूछ लिया जाता है तब आप एक एक ही डेफिनेशन डेफिनेशन लिखेंगे है है ना फिर आपको एक लिखने की जरूरत क्योंकि फिर आपके पास इतने शब्द नहीं है और इतना टाइम नहीं होगा तो ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कार्बनिक खेती क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ मेथड ऑफ एग्रीकल्चर दैट अवॉइड सिंथेटिक सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर एंड जेनेटिकली मोटिफाइड मोडिफाइड फार्मिंग यूज ने खेती कृषि की एक ऐसी विधि है या फिर एक ऐसी खेती का प्रकार है जिसमें कीटनाशकों उर्वरकों और अनुमांसिक रूप, रूप से संशोधित या रूपांतरित जीव चाहे वो फसल भी क्यों ना हो है ना जिसको जीएमओ बोलते हैं जैसे संश्लेषित पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता है जैविक खेती में भोजन का या खाद्य का उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक पदार्थों और प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है यानी कोई भी केमिकल प्रोसेस है वो नहीं की जाती है और इसका पर्यावरण पर सीमित प्रभाव हो सकता है इसका पर्यावरण पर सीमित प्रभाव है वो हो सकता है तो ये एक कॉमन डेफिनेशन है जो सबसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग की अब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत डेफिनेशन लिखना चाहें तो एक यूएसडीए की डेफिनेशन कर कर तो करें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने 2002 में एक डेफिनेशन दी थी ऑर्गेनिक फार्मिंग की वो डेफिनेशन क्या थी इट इज ए होलिस्टिक प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम एनहांस हेल्थ ऑफ एग्रो इकोसिस्टम इंक्लूडिंग बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल साइकल्स एंड सोयल बायोलॉजी कल एक्टिविटीज यह एक समग्र उत्पादन प्रबंधन प्रणाली है जो जैव विविधता जैविक चक्कर और मर्दा जैविक गतिविधि सहित कृषि परिस्थिति तंत्र के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और या फिर इसको मतलब उर्वरता को या उसके स्वास्थ्य को बढ़ाता है बढ़ावा देता है या बढ़ाता है बढ़ाता है मतलब शोर है भी बढ़ाता ही है या बढ़ावा देता है बढ़ावा देने का मतलब क्या है कुछ ना कुछ बढ़ावा देने का काम है वो करता है ठीक है तो यह है एक समग्र उत्पादन प्रबंधन प्रणाली है जो जैव विविधता जैविक चक्कर और मर्दा जैविक गतिविधियों सहित कृषि पारिस्थिति तंत्र के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और या फिर उसके स्वास्थ्य को बढ़ाता है तो ये एफ की डेफिनेशन है एफओ के शब्दों की ही डेफिनेशन है अब देखो अगर किसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखते हो तो फिर उसके पूरे शब्दों को आपको फॉलो करना होता है कोई छोटा मोटा किंतु परंतु हो जाए तो तो ठीक है लेकिन आप लिख तो दो अकॉर्डिंग टू और उस डेफिनेशन को अपने मन से गढ़ दो तो तो फिर वो वो ठीक नहीं है तो की definition है की डेफिनेशन आप दे सकते हैं ठीक है पहले आपको एक जो सबसे प्रचलित डेफिनेशन है वो तो देनी देनी है जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी अगर आप कल को ज्यादा शब्दों में लिखना चाहते हैं उस समय स्पोर्टिव डेफिनेशन और राइटिंग पे इंप्रेशन लाने के लिए क्या कर सकते हैं की definition है वो यूज कर सकते हैं नेक्स्ट की भी एक definition है जो मतलब की जाती है यूज ऑफ सिंथेटिक इनपुट सच एज फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड हॉर्मोन और फीड एडिटिव एटसेट्रा एंड टू द मैक्सिम एक्सटेंड फेसिबल्स रिले अपॉन क्रॉप रोटेशन ऑर्गेनिक और वेस्ट जैविक खेती एक ऐसी प्रणाली है जो संश्लेषित आगत, आगत तो इनपुट जैसे उर्वरक कीटनाशक योजक, जिनको आप फीडिटिव बोलते हैं के से बचाती, है, बचाती है या काफी हद तक बाहर कर देती है मतलब इन चीजों का यूज नहीं करती है भाई ऐसी फार्मिंग है जिसमें जो संश्लेषित इनपुट्स होते हैं संश्लेषित जो आगत होते हैं उनका उपयोग नहीं करती है या फिर उन्हें काफी हद तक क्या कर देते हैं बाहर कर देते हैं और अधिकतम संभव सीमा तक फसल चक्कर फसल अवशेषों पशु खाद ए कृषिगत अवशेषों पर निर्भर करती है ए कृषिगत अवशेषों का मतलब है जो अपने खेत से बाहर के अवशेष होते हैं जैसे घर का कचरा वगैरह है या जैसे मान लो कि बाजार का कचरा वगैरह उससे भी तो अपने कंपोस्ट तैयार करते हैं ना तो वो ए कृषिगत अवशेषों के अंतर्गत आते हैं तो भाई ये दो डेफिनेशन है कुल मिला के मोटी मोटी डेफिनेशन तो आपकी यही बनती है कि बिना केमिकल और बिना जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप के अगर आप कोई खेती करते हैं तो वो कार्बनिक खेती कहलाती है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो कहलाती है अब तीन तरह की डेफिनेशन बता दिया और एक मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग का मीन्स है वो आपको बता दिया है तो इन तीनों में से कोई याद रहे तो ठीक है नहीं तो अपने वाली तो कर ही दोगे आप डेफिनेशन ये तो तय है चलिए अब अपने बात करें नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती का इतिहास अब देखो हिस्ट्री पे थोड़ा सा हम ज्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है जीएस में सिर्फ हिस्ट्री पूछ ले

तो आप जो इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं जैसे डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आप उसमें स्पोर्ट देने के लिए ये मेंशन कर सकते हैं कि भाई जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसका ओरिजिन है वो इंडिया ही है भारत के लिए कार्बनिक खेती कोई नई चीज नहीं है लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण हरित क्रांति के कारण भारत में रासायनिक खेती का सूत्रपात हो गया था यानी केमिकल फार्मिंग है वो आ गई थी ग्रीन रोलेशन की वजह से हरित क्रांति की वजह से और उसके बाद लगातार केमिकल का यूज बढ़ता गया और आज हम देखते हैं कि रासायनिक खेती का केमिकल फार्मिंग का बहुत बुरा इम्पैक्ट है वो देखने को मिल रहा है ये इंपैक्ट इकोलॉजी पारिस्थितिकी पर सॉइल फर्टिलिटी पर और हमारी हेल्थ पर देखने को मिलता है तो हमें फिर से जरूरत है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए तो ऐसा नहीं कि भारत के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई नई चीज है भारत में तो फार्मिंग ही ऑर्गेनिक ही स्टार्ट हुई है ना तो ऐसा नहीं है दुनिया के हर जगह पे फार्मिंग स्टार्ट हुई है तो ऑर्गेनिक स्टार्ट हुई होगी क्योंकि पहले केमिकल ही नहीं थे लेकिन भारत को ऑर्गेनिक फार्मिंग का ज्ञान था भारत को ऑर्गेनिक फार्मिंग का ज्ञान था बहुत पहले से ज्ञान था तो इसलिए हो सकता है कि आपसे सिर्फ हिस्ट्री पूछ ली जाएगी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया पर्टिकुल इंडिया पर्टिकुलर ऑर्गेनिकार्मिंग भी पूछी जा सकती है है तो तो हम इस पार्ट को भी क्यों छोड़ें और ऑर्गेनिक और फार्मिंग एक बर्निंग तो एग्रोनॉमी और जो डेवलपमेंट वाले हैं उनका बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है चलिए तो हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग जेबी खेती का इतिहास प्राचीनतम क्रियाओं के हिसाब से बात करें ओल्ड प्रैक्टिस की बात करें देखो जब खेती की शुरुआत हुई थी आप पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर है उसकी हिस्ट्री टेन थाउजेंड ईयर अगो है दस हजार वर्ष पुरानी है यानी नव पाषाण युग से चली आ रही है कहने का मतलब क्या है नियोलिथिक एज है वहां से क्या है फार्मिंग चलती आ रही है और वहीं से ऑर्गेनिक फार्मिंग चलती आ रही है ना अगर हम बात करें पुरानी सभ्यताओं में देखें तो मेसोपोटेमिया देखा जाए तो मेसोपोटामिया के टाइम भी क्या है ऑर्गेनिक प्रैक्टिस होती थी हांग हो बेसिन के टाइम भी क्या होती थी ऑर्गेनिक प्रैक्टिस है वो देखने को मिलती थी तो चाहे हम 10000 ईयर अगो की बात कर लें 10000 वर्ष पूर्व यानी जब नियोलिथिक एज थी यानी नवपाषाण काल था युग था उस समय भी ऑर्गेनिक प्रैक्टिस ही थी क्योंकि केमिकल को जानता ही नहीं था मेसोपोटामिया का समय है उस समय भी ऑर्गेनिक प्रैक्टिस ही थी वहीं पे अगर हम बात करें हवांग बेसिन जो है उसकी जो सभ्यता है ना उसके अंदर भी हमें क्या है ऑर्गेनिक मतलब जो हांग हो बेसिन सिविलाइजेशन है उसके अंदर भी ऑर्गेनिक फार्मिंग ही थी तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत पुरानी है लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में लोग ऐसे नहीं जानते थे कि ये ठीक है और ये ठीक है भाई उस समय केमिकल फार्मिंग था ही नहीं तो ऑप्शन था ये तो हम जाहिर सी बात है हिस्ट्री स्टार्ट तो यहीं से करेंगे भाई यहीं से ऑर्गेनिक फार्मिंग हुई से स्टार्ट हुई है मतलब खेती की उत्पत्ति के साथ ही एग्रीकल्चर की हिस्ट्री जहां से स्टार्ट हुई है अब हम बात करें रामायण पीरियड के दौरान की बात हम करें रामायण काल की बात यानी रामायण की बात करें तो रामायण के समय भी क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग का डिस्कशन हुआ है कैसे डिस्कशन हुआ है वो मैं बताता हूं रामायण के समय में रामायण के समय में राजगोपालचारी क्या कहते हैं देखो राजगोपालचारी राजगोपालचारी ने बहुत बड़ी बात लिखी है ट्रांसफॉर्मर्ड इन टू दिंग्स ऑफ मदर अर्थ एज इंटरप्रेटेड बाय सी राज गोपालचारी देखो राज गोपालचारी ने क्या बोला सभी मर्द चीजें चाहे उसमें कुछ भी है सड़ती हुई लाश या बदबूदार कचरा पृथ्वी पर वापस आने पर जीवन को पोषण देने वाली पौष्टिक चीजों में बदल जाती है यानी कोई इंसान कोई जंतु मरा हुआ है वो भी मिट्टी में अपगटित होकर वापस क्या है न्यूट्रिशन देने वाला बन जाता है कोई कचरा है वो भी क्या है न्यूट्रिशन देने वाला बन जाता है ना यही धरती माता की कीमिया है ये किसने व्याख्या की थी ये की थी सी राजगोपालचारी द्वारा कीमिया लिख रहा हूं मैं कमिया नहीं लिख रहा हूं ठीक है यही धरती की कीमिया है ठीक है तो रामायण में आप तो इतना ही लिख देना कि रामायणा काल में सी राजगोपालचारी ने यह बोला था कि सभी मर्त वस्तुएं चाहे वो मर्त लाश है या बदबूदार कचरा है वो पृथ्वी पर वापस आने पर जीवन को पोषण देने वाली वस्तुओं के अंदर है वो बदल जाता है यानी वो मैन्योर बन जाता है और न्यूट्रिशन देने का काम करता है ये बात रामायणा काल की है उसके बाद महाभारता काल की बात करें महाभारता इरा की बात करें यानी पचपन सौ बीसी के आसपास की तो यहां पे क्या है कामधेनु गाय का डिस्कस हुआ था आपको पता है तो महाभारता महा काल में कामधेनु का डिस्कस हुआ है तो उस कामधेनु का एग्रीकल्चर के लिए भी इंपोर्टेंस बताया गया था कृषि के लिए भी महत्व है वो बताया गया था तो कृषि के लिए महत्व क्या था उसका डंग था उसका गोबर था कामधेनु तो आप जानते हैं ना तो आप जनरली क्या है हिंदू जो धर्म है उसके अंदर कामधेनु है उसका स्थान बहुत श्रेष्ठ आपको पता हो तो मेंशन ऑफ द कामधेनु द काउ एंड इट्स रोल ऑन ह्यूमन लाइफ एंड सोयल फर्टिलिटी दिव्य धेनु का उल्लेख तथा मानव जीवन और मिट्टी की उर्वरता पर इसकी भूमिका का, का उल्लेख महाभारत काल में देखने को मिलता है काम के गोबर से मिट्टी की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है ये बात काल में आ गई थी ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का नॉलेज है भाई फिर हम बात करें जो कौटल्य अर्थशास्त्र था यानी जो कौटल्य यानी चाणक्य का जो अर्थशास्त्र था 300 BC के अंदर उसके अंदर क्या मेंशन है अब भाई चाणक्य तो कोई छोटी-मोटी चीज नहीं थी बड़ा खतरनाक नॉलेज वाला आदमी था उसने मेंशन किया कि मेंशन सेवरल मैनुअर्स लाइक ऑयल के एक्सक्रिटा एक्सक्रिटा ऑफ एनिमल तेल की खली मल मूत्र और पशुओं के मल मूत्र जैसे जे, कई खादों का उल्लेख है वो कौटिल्य अर्थशास्त्र के अंदर है वो देखने को मिलता है उसके बाद हम बात करें भरद संहिता भरद सहिता किसके द्वारा लिखी गई थी यह लिखी गई थी वर, वराह मिहिर के द्वारा लिखी गई थी वराह मिहिर के द्वारा लिखी गई थी वराह है के द्वारा लिखी गई थी कौन सी वरद संहिता जो है वरद संहिता के अंदर यह था कि खाद है वो आप खेत में किस प्रकार से दें डिस्क्राइब हाउ टू चूज मैन्योर फॉर डिफरेंट क्रॉप एंड द मेथड ऑफ मैन्योरिंग डिस्क्राइब हाउ टू चूज मैन्योर फॉर डिफरेंट क्रॉप एंड द मेथड ऑफ मैन्योरिंग विभिन्न फसलों के लिए खाद का चयन कैसे करें और खाद देने वाली विधियों का वर्णन है वो भी इसके अंदर देखने को मिलता था अब हम बात करते हैं हमारा जो वेद है उसमें जैसे यजुर्वेदा में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग दिया हुआ है में भी दिया हुआ है हम यहाँ वेदा की बात करते हैं क्योंकि काफी पॉपुलर रहा हुआ है जो टाइम था 2500 से लेकर 1500 बीसी का है ना ऋग्वेदा का देखो उसमें कई उस समय कई सारे लिटरेचर आए ऋग्वेदा के टाइम तो उन लिटरेचर के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग का आपको डिस्कशन है वो देखने को मिलता है मेंशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर इन रिंग वेदा इज ग्रीन मैन्योर इन अथुर्वेदा अब देखो भाई ऋग्वेद के अंदर तो क्या है जैविक खाद का उल्लेख मिलता है अर्थवेद जो आ, बीसी के पास था उसमें हरी खाद का उल्लेख मिलता है चार साल पहले हरी खाद का उल्लेख है वो ऋग्वेद सॉरी ये अर्थवेदा के अंदर देखने को मिलता है उसी टाइम था भाई इन लिटरेचर था इन सुक्रा इट इज स्टेटेड टू कोज हेल्थी ग्रोथ प्लांट शुड बी नरश्ड बाय डंग ऑफ गोट शिप काऊ वाटर एज वेल एज मीट देखो भाई उस समय एक लिटरेचर आया सुक्र के नाम से जिसको सुकरा बोल देते हैं इंग्लिश में सुक्र में कहा गया था कि स्वस्थ विकास के लिए पौधे को बकरी भेड़ गाय के गोबर पानी और मांस से पोषण मिलना चाहिए मतलब ये चीजें अपघटित होकर मिट्टी में पड़ती है तो ये खाद का काम करती है ये बात सुकरा के अंदर है वो बोली गई थी उसके बाद मैं बात करूं A reference of manure is also made in by के द्वारा वर्क्षा आयुर्वेदा जो लिखा गया था वृक्षायुर्वेदा में भी खाद का उल्लेख है वो किया गया है ये सब रिलीजियस लिटरेचर है जिनके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो है भाई हमारे होली कुरान की बात करें 590 एडी के पास पवित्र कुरान 590 में देखो इसमें क्या है एट लिस्ट वन थर्ड ऑफ व्हाट यू टेक आउट फ्रॉम सोइल मस्ट बी रिटर्न टू इट्स इंप्लाइंग रिसाइकलिंग और पोस्ट हार्वेस्ट रेजिड्यूस देखो पवित्र कुरान में क्या बोला गया मिट्टी में जो कुछ भी आप निकालते हैं उसका कम से कम एक तिहाई हिस्सा मिट्टी में वापस लौटाना पड़ता है जिसका तात्पर्य है पुनः चक्रण या फसल पश्चात अवशेष है वो खेत में देने पड़ते हैं मतलब आप खेत में जितना भी प्रोड्यूस कर रहे हो उसका एटलीस्ट वन थर्ड तो आपको वापस मिट्टी के अंदर क्या करना पड़ेगा देना पड़ेगा इसका मतलब ये किसकी बात हो रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है इसका मतलब किसकी बात हो रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग की ये हमारे कुछ रिलीजियस लिटरेचर है जिनके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो डिस्क्राइब किया गया है सिर्फ हिस्ट्री लिखना आए तो यहां से हिस्ट्री स्टार्ट करोगे आप फिर हम चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं देखो फर्स्ट टाइम फेल्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग नीड इन यूरोप दुनिया में सबसे पहले कार्बनिक खेती की जो आवश्यकता महसूस हुई थी ना वो यूरोप में हुई थी 1930 के आसपास देखो 90, के अंदर सबसे पहले इंग्लैंड में ही क्यों हुई क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे पहले एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन यानी कृषि क्रांति है वो इंग्लैंड में ही आई थी और यहाँ पे जब एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन आया तो सबसे पहले केमिकल यहीं पे यूज होने स्टार्ट हुए थे अब केमिकल यूज होने स्टार्ट हो गए तो जाहिर सी बात है उनका इंपैक्ट है वो बुरा आने लगा उनका प्रभाव है बुरा आने लगा फिर एक ब्रिटिश एग्रोनॉमिस्ट थे जो इंडिया के अंदर अपॉइंटेड थे इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री इंदौर के अंदर यानी पादप उद्योग संस्थान इंदौर के अंदर एक ब्रिटिश एग्रोनॉमिस्ट अपॉइंटेड थे जिनका नाम था सर अल्बर्ट हवाट अगर आपको याद है तो आप पढ़ते हैं कंपोस्ट तो उसके अंदर पढ़ते हैं इंडियन इंदौर कंपोस्टिंग मेथड

तो इनकी अवेयरनेस से अब यूरोपियन लोग एजुकेटेड थे तो उन वहां जल्दी अवेयरनेस फैल गई तो लोगों को लगा कि भाई ठीक है ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी चाहिए तो वर्ल्ड में देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग का ओरिजिन इंडिया इस बात में कोई डाउट नहीं है जो कार्बनिक खेती है उसका उद्गम है वो भारत है लेकिन सबसे पहले जो आवश्यकता महसूस होती है वो इंग्लैंड यूरोप के अंदर होती है और ये आवश्यकता महसूस करवाने का काम कौन करता है आवश्यकता महसूस करवाने का काम सर अल्बर्ट वार्ड करते हैं सर अल्बर्ट अलबर्टवार्ड वो पहले पर्सन थे जो आधुनिक समय में सर अल्बर्ट वो पर्सन थे जो आधुनिक समय में मॉडर्न तो टाइम के अंदर सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रिंसिपल और मेथड्स जब वो दिए थे तो सर अलबर्टवार्ड ने 1930 डिकेड के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रिंसिपल और मेथड दिए थे यानी कार्बनिक खेती के सिद्धांत विधियां दी थी इसलिए कार्बनिक खेती के जनक फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो किसे कहा जाता है सर अल्बर्ट वार्ड को कहा जाता है कार्बनिक खेती के जनक सर अल्बर्ट वार्ड को कहा जाता है वो आप मेंशन कर सकते हो ठीक है वो बात अलग है कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा कमेंट ये करना चाहूंगा कि हमारा इतना पुराना लिटरेचर देखो हम बात हैं रामायण काल से लेकर कुरान तक की तो यहां तक क्या है हमारा लिटरेचर था उसके बावजूद हमने सारे का सारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का देखो इंग्लैंड में पहले कोई लिटरेचर नहीं था यूरोप में पहले कोई लिटरेचर नहीं था हालांकि बायोडायनमिक फार्मिंग के बारे में बता दिया था रूडलो स्टैंडर्ड ने उसकी भी बात करूंगा लेकिन हमारे पास तो बहुत पुराना इतिहास पड़ा था कार्बनिक खेती का हमने इनमें से किसी राइटर को फादर ऑफ ऑर्गेनिक नहीं कहा लेकिन जो ब्रिटेन वालों ने जिस बंदे को फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा कार्बनिक खेती का जनक कहा उसी को हम फॉलो करने लगे ये एक शर्मिंदगी वाली बात है और कोई समस्या वाली बात नहीं है हमें अल्बर्ट अवार्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्होंने इंग्लैंड के लिए काम किया है ना वो तो बढ़िया चीज है लेकिन जो अंग्रेज मानते थे वही आज तक हम मानते आगे तो हमें भी आज यही पढ़ना पड़ता है और यही बोलना पड़ता है कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन है फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो कौन है सर अल्बर्ट अवार्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर स्टार्टेड बाय सर अलबर्ट व्रिटिश एक्रोनोमिस्ट अब मॉडर्न ईरा में फिर से कार्बनिक खेती की शुरुआत करने वाले आदमी कौन थे? सर अल्बर्ट थे हिंदी में भी लिखा इंग्लिश में भी लिखा हुआ उसके बाद अगर पक्का पक्का साल लिखो तो उन्नीस एक ब्रिटिश फिलोसफरी थे यानी एक अंग्रेज दार्शनिक थे जिन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था लुक टू द यानी भूमि की तरफ देखो लुक टू लैंड यानी भूमि की तरफ है वो देखो तो उस लुक लुक टू द लैंड के अंदर सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्ड आया था तो कार्बनिक खेती शब्द सबसे पहले किसने दिया था कार्बनिक खेती शब्द है वो सबसे पहले दिया था लॉर्ड नॉर्थ बोरन ने किसने दिया था लॉर्ड नॉर्थ बोरन ने दिया था उनकी एक किताब थी लुक ऑफ द लैंड है लुक टू द लैंड होना चाहिए भैया लुक टू द लैंड लुक टू द लैंड भूमि की तरफ देखो इनकी बुक का नाम था उस बुक के अंदर सबसे पहले फार्मिंग वर्ड आया द्रम ऑर्गेनिक फार्मिंग वॉज फर्स्ट यूज बाय लॉर्ड नॉर्थबर्न इन द बुक ऑफ लुक टू द लैंड जैविक खेती शब्द का पहली बार इस्तेमाल लॉर्ड नॉर्थबर्न ने अपनी किताब लुक टू लैंड में किया था लुक टू लैंड लुक टू देंड के अंदर है वो किया था ईयर लिखना चाहो तो 1946 है और दशक लिखना चाहो तो 1940 लिख सकते हो 1940 है वो लिख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट अपने बात करते हैं जी हिस्ट्री को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं सिर्फ हिस्ट्री लिखनी आ जाए तो हालांकि 1924 में एक ऑस्ट्रियन ऑस्ट्रियन ऑस्ट्रिया

फार्मिंग में यह था कि खेती है वो नेचर के फ्लो में होनी चाहिए प्राकृति के भाव में होनी चाहिए ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से होनी चाहिए एस्ट्रोनॉमी के आधार पर होनी चाहिए जिसे बायोडाइनमिक फार्मिंग कहते हैं यानी जैव गतिशील खेती कहते हैं और बाद में उसका पूरे वर्ल्ड के अंदर कमर्शलाइजेशन भी हुआ तो कहीं ना कहीं केमिकल के प्रति अवेयरनेस यूरोप में पहले आ गई थी क्योंकि उन्होंने केमिकल भी तो हमारे से पहले यूज कर लिए थे हमने इस टाइम तक कोई विशेष केमिकल यूज किया ही नहीं था थोड़ा बहुत यूज किया था वो भी किसी किसी ने किया था कोई ज्यादा इंटेलिजेंट था ज्यादा साना था उसने ही यूज किया था ठीक है उसके बाद वर्ल्ड लेवल की हिस्ट्री अपने इसी लाइन के साथ खत्म करते हैं कि ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन एक्ट है वर्ल्ड वाइड वैश्विक स्तर पर ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन एक्ट है वो कब आया था 1990 के अंदर आया था यानी 1990 में आया था जैविक खाद उत्पादन अधिनियम 1990 में आया था हाँ हम एक चीज और भी लिख सकते हैं अगर सिर्फ हमें हिस्ट्री लिखना पड़े तो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए आई फॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मोमेंट्स ना भाई आई फॉर्म जिसको बोलते हैं आई एफ ओ ए लिखना था ए लिखना था भाई ए फॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मोमेंट

कहां पे बना था ये भाई ये बॉन जर्मनी में बॉन जर्मनी के अंदर कहां बना था ये बोन जर्मनी के अंदर बना था बॉन जर्मनी के अंदर है वो बना था इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए तो पहले ये लिखें और उसके बाद आपका वर्ल्ड लेवल की जो हिस्ट्री है बस इतना ही

अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया देखो मैंने सबसे पहले ही मेंशन कर दिया भारत में जो जैविक खेती है वो नई नहीं, नहीं, है ऑर्गेनिक कल्टीवेशन नोट न्यू इन इंडिया भारत में जैविक खेती कोई नई बात नहीं है आप एक लाइन और मेंशन कर देना कि जैसा कि हमने पीछे हमारे जो रिलीजियस लिटरेचर है यानी कहने का मतलब जो धार्मिक ग्रंथ है उनके अंदर भी ऑर्गेनिक फार्मिंग है उनका विवरण है वो देखा है भी उनका मेंशन है है वहां पे हमने देखा है। लेकिन फिर से ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे पहला प्रयास भी भारत में सर अल्बर्ट होवाड ने ही किया था नॉर्थ इंडिया में या मैं स्पेशली बात करूं मध्य प्रदेश के अंदर क्या है इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे पहला प्रयास किया लेकिन वो प्रयास इतना ज्यादा कोई एप्रिशिएबल नहीं था मतलब बहुत ज्यादा उसकी प्रशंसा प्रशंसनीय नहीं था क्योंकि उस समय मोस्ट ऑफ फार्मर है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही कर रहे थे जैविक खेती है वो ही कर रहे थे कोई केमिकल फार्मिंग का भारत में कोई विशेष बोलवाला नहीं था फिर आप बोलेंगे कि 1942 के अंदर 1942 के अंदर नाइनटीन के अंदर ग्रो मोर फूड कैंपिंग ग्रो मोर फूड कैंपिंग प्रोग्राम आया क्रो मोर फूड कैंपिंग आपको पता हो तो ये एक ऐसा प्रोग्राम था जो आजादी से पहले पूरे भारत में एक साथ चलाने का प्रयास किया यानी आजादी से पहले का सबसे बड़ा प्रोग्राम था रूरल डेवलपमेंट्स के लिए या फार्मर डेवलपमेंट्स के लिए तो इसके अंदर कुछ केमिकल यूज होना स्टार्ट हुआ भाई इसके बारे में तो हमें बात नहीं करनी है, लेकिन हमें हम कहेंगे कि सबसे पहली बार जो केमिकल को प्रमोट किया किया था था वो इस प्रोग्राम ने ग्रो मोर फूड में वैसे मैं बता देता हूँ इसका उद्देश्य था कि अच्छा सीड फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी का यूज करते हुए प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना उत्पादकता को बढ़ाना तो यहाँ पे कुछ केमिकल है उनको बढ़ावा मिला था उसके बाद हम लिखेंगे कि इंडिया के अंदर केमिकल फार्मिंग जो स्टार्ट हुई थी भारत के अंदर जो रासायनिक खेती हुई 1966, स्टार्ट हुई थी वो 1966-67 में ग्रीन के के साथ स्टार्ट स्टार्ट हुई हुई थी थी हरित क्रांति उस समय के लिए हरित क्रांति भी जरूरी था ग्रीन रेवल्यूशन भी जरूरी था उसी की वजह से देश में फूड सिक्योरिटी आई है खाद्य सुरक्षा आई है लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं भाई हर चीज में क्या होती है दो चीजें होती है तो यहाँ पे हमें ग्रीन मैन्योर तो सॉरी ग्रीन का ग्रीन रिलेशन से बेनिफिट हुए फायदे हुए तो वहाँ पे हमें कुछ नुकसान भी हुए उनमें से एक नुकसान ये भी था कि भारत में केमिकल फार्मिंग है उसका सूत्रपात हो गया था यानी केमिकल फार्मिंग है वो स्टार्ट हो गई थी अब केमिकल फार्मिंग जब भारत में स्टार्ट हो गई तो धीरे धीरे मतलब उसके जो बैड इफेक्ट है बुरे प्रभाव है वो भी लोगों के सामने आने लगे बुरे प्रभाव है वो भी लोगों के सामने आने लगे जो बैड इफेक्ट है या बैड इम्पैक्ट है वो भी सामने आने लगे गवर्नमेंट ने भी इस केमिकल फार्मिंग के नुकसान तो हो रहे हैं। इस बात में कोई डाउट नहीं है तो अब जो काम 1930 में यूरोप में हुआ था वैसी ही जो नीड फिल हुई हमें वो नाइनटीन में हुई यानी कहने का मतलब द नीड टू इंट्रोड्यूस ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया वॉज रिकोगनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन 1993, भारत में जैविक खेती शुरू करने की आवश्यकता को कृषि मंत्रालय ने उन्नीस में, में पहचाना था कृषि मंत्रालय कहते, कहते, कहते थे तो जो कृषि मंत्रालय है उसको देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग इंट्रोड्यूस करने के लिए फिर से कार्बनिक खेती इंट्रोड्यूस करने की जो आवश्यकता महसूस हुई वो कब हुई थी उन्नीस सौ तिरानवे में हुई थी सरकार थोड़ा-थोड़ा उस पे काम करने लगी भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको लाओ केमिकल को कम करो क्योंकि केमिकल के बुरे प्रभाव वो देखने को मिल रहे हैं फिर है नेशनल ऑर्गेनिक प्रोग्राम वाज़ स्टार्टेड इन 2001 नेशनल ऑर्गेनिक का सॉरी नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एनपीओपी यहां पे पूरा नहीं लिखा हुआ है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है ये 2001 में स्टार्ट हुआ नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन यानी राष्ट्रीय कार्बनिक उत्पादन कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्बनिक उत्पादन कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इसको सही कर लेना थोड़ा सा नेशनल ऑर्गेनिक प्रोग्राम लिखा हुआ इसको एनपीओपी बोलते हैं तो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन यानी राष्ट्रीय कार्बनिक उत्पाद उत्पादन कार्यक्रम 2001 में मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री यानी वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है वो प्रारंभ किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के किस डिपार्टमेंट ने या किस प्राधिकरण ने इस प्रोग्राम को संभाला वो था एपिडा तो आप मेंशन कर सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में ये प्रोग्राम है वो एपिडा के द्वारा लाया गया एपिडा एपिडा की फुल फॉर्म क्या होती है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा ये प्रोग्राम 2001 के अंदर है वो स्टार्ट किया गया अब ये जो एपिडा है

2001 में भारतीय जैविक लोगों के तहत निर्यात के लिए नए नियम भी लागू किए गए हुआ क्या वो भी आप थोड़ा सा और डिटेल से मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो एपिडा के तहत आया एनपीओपी ने अपना नया लोगो जारी किया नया लोगो क्या लोगो ही जारी किया एपिडा ने अपना लोगो जारी किया एनपीओपी ने अपना लोगो जारी किया भाई प्रोग्राम किसके तहत आया एपिडा और एपिडा किसके तहत काम करता है यानी वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय तो एनपीओपी के तहत दो के अंदर क्या है अपना एक लोगो जारी हुआ तो अब ये जो एनपीओपी प्रोग्राम था ना इसने सर्टिफिकेशन का काम स्टार्ट किया प्रमाणीकरण का काम है वो स्टार्ट किया किसी भी प्रकार का कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है चाहे वो खेत में प्रोड्यूस किया गया है चाहे वो जंगलों से इकट्ठा किया गया वाइल्ड कलेक्शन है चाहे बाहर से इंपोर्ट किया गया है और चाहे क्या है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोडक्ट किसी कंपनी ने खरीद कर उसका कोई प्रोसेस बनाया है तो हर प्रकार के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशन का काम किसने स्टार्ट किया एनपीओपी ने अपना नया लोगो जारी किया नया क्या पहला लोगो जारी किया और उसके तहत उसने सर्टिफिकेशन का काम स्टार्ट कर दिया यानी भारत में ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का सर्टिफिकेशन है वो किसने स्टार्ट किया एपिडाने कौन से प्रोग्राम के अंडर में एनपीओपी प्रोग्राम के अंडर में क्या है सर्टिफिकेशन है वो स्टार्ट किया और ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस है उसके एक्सपोर्ट के नए रूल लाए क्या कब 2001 में ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस है कार्बनिक जो उत्पाद है उनके एक्सपोर्ट के क्या है नए रूल भी लाएंगे अब 2000 के अंदर आपको पता हो इससे पहले एक चीज आप हिस्ट्री में और मेंशन कर सकते हैं 2000 के अंदर 10वीं पंचवर्षीय योजना आई 10th 5 ईयर प्लान आया 2000 के अंदर 10th यानी 10वां पंचवर्षीय योजना आया 10th 5 ईयर प्लान आया अपना 10वां पंचवर्षीय योजना आया इसके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्राइमरी एरिया डिक्लेअर किया गया प्राथमिक क्षेत्र घोषित किया गया और 5 ईयर प्लान में प्राइमरी एरिया का मतलब जिसपे सबसे ज्यादा काम होना है तो दसवीं पंचवर्षीय योजना में इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्राइमरी एरिया डिक्लेयर कर दिया गया दो हजार एक के अंदर एनपीओपी बना दिया गया और एनपीओपी ने क्या किया अपना लोगो जारी किया और लोगो जारी करके सर्टिफिकेशन का काम स्टार्ट कर दिया और एक्सपोर्ट के नए रूल निर्यात के नए नियम आ गए तो आप ये भी सब कुछ लिख सकते हैं ठीक है अब ये बात कहां तक की हुई ये बात हुई अपनी 2001 तक की ठीक है इसके बाद आगे की हिस्ट्री की अपने बात करें ये देखो वैसे लिखा हुआ है इन फाइव ईयर प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग नेशनल प्रायोरिटी एरिया दसवीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने जैविक खेती को राष्ट्रीय प्राथमिकता वाला क्षेत्र घोषित है वो किया था मैं जो मैं बता रहा था अब क्या हुआ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को ट्रेनिंग देना जरूरी था किसानों के लिए प्रोग्राम कंडक्ट करवाना जरूरी था और कोई भी ऑर्गेनिक इनपुट प्रोड्यूस कर रहा है अब भाई देखो कार्बनिक खेती होगी तो उसके अंदर भी कीट वीट रोग आएंगे तो उनका नियंत्रण करने के लिए कार्बनिक की या जैविक कीटनाशी शाकनाशी वासी ये सब यूज होंगे यानी ऑर्गेनिक इनपुट यूज होंगे है 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 ना ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड करने वाली इंडस्ट्रिया थी उद्योग थे उन पे नियंत्रण करना जरूरी था उनका जो इनपुट्स है उसको क्वालिटी मतलब उनकी क्वालिटी एश्योर करना जरूरी थी क्वालिटी का मतलब क्या है इवोल्यूशन करना जरूरी था क्वालिटी को मेजर करना जरूरी था तो ये सब चीजें करने के लिए भाई क्वालिटी का रेगुलेशन करना जरूरी था इन सब चीजों के लिए क्या है सन 2004 के अंदर मैं साथ साथ में समझा रहा हूं आप इतनी बातें नहीं लिख पाएंगे लेकिन रिलेवेंट चीजें अगर आपको याद होगी तो कुछ लिख पाएंगे नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग जो है वो पहले तो जब बना था ना तब तो ये एनसीओ था एनसीओ था नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग था बाद में इसका नाम क्या है नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग कर दिया गया तो 2004 के अंदर नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में बनाया गया राष्ट्रीय जैविक व प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में बनाया गया जो फार्मर को ट्रेनिंग देता था किसानों को प्रशिक्षण देता था है ना और जो ऑर्गेनिक इनपुट्स थे उनकी क्वालिटी रेगुलेट करता था यानी जो कार्बनिक आगत थे उनका जो गुणवत्ता है उनके नियंत्रण का काम करता था तो ये कब बना था दो के अंदर बना था उसके बाद एक चीज यहां पे मैं मेंशन करनी भूल गया जो आपको मेंशन कर देनी है 2011 के अंदर सर्टिफिकेशन को आसान करने के लिए 2011 के अंदर सर्टिफिकेशन को इजी करने के लिए ताकि फार्मर है वो ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो उसमें उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मार्केट फार्मर भाई कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है तो उसके लिए सबसे बड़ा है प्रॉब्लम मार्केट ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा तो शुरू में प्रोडक्शन होगा कम तो अब वो ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस होता है वो कार्बनिक खेती इसलिए करता है कि उसे लगता है प्रोडक्शन का कोई दिक्कत नहीं है रेट तो ज्यादा मिलता है लेकिन वो मार्केट में जब अपना प्रोडक्ट लेके जाता है बोल रहा है कि ऑर्गेनिक टमाटर ले लो ऑर्गेनिक गेहूं ले लो तो उसकी बात कौन मानेगा प्रमाणिक देखो कागज बोलता है पेपर बोलता है भाई आप बोल दो कि ये बिल्डिंग मेरी है आपकी कोई नहीं मानेगा लेकिन पेपर में क्या है इस बिल्डिंग के दस्तावेज में आपका नाम है तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है इसलिए बोला जाता है कि कागज बोलता है ठीक है इंसान के बोलने से कुछ नहीं होता है तो अब क्या है उस किसान का खेत का और खेत के उत्पाद का यानी जो फार्म प्रोड्यूस है उसका प्रमाणीकरण हो रखा है सर्टिफिकेशन हो रखा है तो वो क्या करेगा उसे लोगो लगा के बेचेगा क्योंकि उसके पास अधिकार है इस चीज का क्योंकि उसे सर्टिफिकेट मिला हुआ तो अब क्या है इस सर्टिफिकेशन को इजी बनाने के लिए 2011 के अंदर भाई सर्टिफिकेशन को इजी बनाने के लिए 2011 के अंदर 2011 के अंदर पीजीएस इंडिया पीजीएस इंडिया पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ इंडिया पीजीएस इंडिया पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत यानी कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ठीक है पीजीएस इंडिया स्टार्ट किया इसके तहत तो लोगो जारी किया गया और इसके द्वारा भी प्रमाणीकरण है वो जारी किया गया लेकिन यहां पे एनपीओपी के सर्टिफिकेशन में और पीजीएस इंडिया के सर्टिफिकेशन में फर्क क्या था एनपीओपी के द्वारा सर्टिफाइड किया गया प्रोडक्ट विदेश में भी यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑर्गेनिक ही माना जाता है यानी इंटरनेशनल लेवल पे वो सर्टिफिकेशन करता है एनपीओपी जो है लेकिन पीजीएस का अगर सर्टिफिकेशन करवाया गया है पीजीएस के द्वारा प्रमाणीकरण करवाया गया पीजीएस इंडिया के द्वारा तो फिर वो डोमेस्टिक लेवल पे यानी हमारे घरेलू स्तर पर ही उसे क्या माना जाता है ऑर्गेनिक माना जाता है इंटरनेशनल लेवल पे उसे ऑर्गेनिक नहीं माना जाएगा यानी विदेश में आप निर्यात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की तरह एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है कार्बनिक उत्पाद की तरह वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है तो सर्टिफिकेशन को इजी करने के लिए आसान करने के लिए 2011 में पीजीएस इंडिया प्रोग्राम है वो संचालित किया गया तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आया था यानी मिनिस्ट्री सॉरी कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत है वो आया गया था आया था नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्किम सिक्किम इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर ऑन जनवरी एटीन टू सेकेंड ऑर्गेनिक स्टेट उत्तराखंड विच डिक्लेयर इन 2009 अप्रैल अप्रैल 2019 देखो सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य 18 जनवरी 2016 को घोषित किया गया था और दूसरा जैविक राज्य उत्तराखंड को अप्रैल 2019 के अंदर घोषित किया गया था फिर नेक्स्ट आता है नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एनओ एफ आर आई राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान है ना की स्थापना सिक्किम के अंदर फरवरी दो में हुई पर्टिकुलर जगह लिखना चाहो तो गंगटोक सिक्किम लिखेंगे पर्टिकुलर जगह लिखना चाहो तो आप क्या लिखेंगे गंगटोक सिक्किम है वो लिखेंगे गंगटोक सिक्किम है वो लिखेंगे तो 2016 के अंदर पर में भाई तो 2018 जनवरी 2016 को तो क्या है सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर किया जाता है और अगले ही महीने यहां पे क्या एनओ बना दिया

ना भारत के जो पुराने धर्म ग्रंथ है नाम बता देना रामायण है महाभारत है ऋग्वेदा है, है शुक्रा है इनके अंदर भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का डिस्कशन है 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 वो देखने को मिलता है, है, वो देखने देखने को को मिलता मिलता विवरण वैश्विक स्तर पर सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग की नीड है वो यूरोप इंग्लैंड में 1930 में महसूस हुई थी वहां पे सर अल्बर्ट हवार ने सबसे पहले कार्बनिक खेती के जो सिद्धांत भी दिया दी थी यानी प्रिंसिपल और मेथड है वो दिए थे फिर आप लिख देंगे भारत में ग्रीन रिलेशन के कारण हरित क्रांति के कारण केमिकल फार्मिंग की आवश्यकता हुई जैसे जैसे केमिकल फार्मिंग है वो बढ़ती गई रासायनिक खेती जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे उसके दुष्प्रभाव देखने को मिले तो सब भारत में भी क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग की नीड हुई तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने सबसे पहले नाइनटीन में उन्नीस के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती के इंट्रोडक्शन की मतलब इंट्रोडक्शन है वो किया दो के अंदर टेंथ फाइव ईयर प्लान के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश के लिए प्रायटी एरिया है वो डिक्लेयर किया गया यानी प्रायटी सेक्टर है वो डिक्लेयर किया गया प्राथमिक क्षेत्र है वो डिक्लेयर किया गया था 2004 के अंदर एनओ सी एन एफ है वो बनाया गया यानी नेशनल ऑर्गेनिक नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में बनाया गया और वो हाँ दो हजार एक वाला तो आपने लिखा ही नहीं वो लिख देना कि इंडिया में नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन 2001 में है उसका लोगो भी 2001 में ही लॉन्च हुआ और उसके तहत प्रमाणीकरण स्टार्ट हुआ तथा एक्सपोर्ट के लिए ऑर्गेनिक प्रोड्यूस एक्सपोर्ट के लिए नई पॉलिसीज भी आई नई नीतियां हैं वो भी आई दो में वो बना दो में पीजीएस इंडिया आया जो डोमेस्टिक लेवल पर ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेशन को आसान बनाने के लिए आया था ठीक है यहां तक की बात ठीक है है ना एक चीज और है सिर्फ हिस्ट्री लिखनी हो तो एक बात और मेंशन कर देना कि फूड इंडियन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड सॉरी इंडियन का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसएआई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा दिसंबर 2017 में जैविक भारत फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2017 में जैविक भारत का लोगो जारी किया और जिसके तहत प्रमाणीकरण है सर्टिफिकेशन है वो स्टार्ट किया जिसके तहत प्रमाणीकरण है वो स्टार्ट किया ठीक है तो ये आप मेंशन कर सकते हैं अब बात आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नेसेसरी कार्बनिक खेती क्यों आवश्यक है क्या कारण है भाई वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नेसेसरी कार्बनिक खेती क्यों आवश्यक है ठीक है अब आपको अगर सीधा ऑर्गेनिक फार्मिंग लिखना आ गया उसमें हिस्ट्री तो इतनी कर करनी नहीं है फिर तो फिर आपको क्या है हिस्ट्री में तो मैंने दोबारा से रिपीट किया उतनी सी बात ऐड करनी है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जरूरी क्यों है वो आप लिख सकते हैं शब्दों की लिमिटेशन होगी तो ये पॉइंट आपको हटा देना है वर्ड लिमिटेशन है वहां पे आपको ये हटा देना है एग्रोनॉमी और डेवलपमेंट ब्रांच वालों के लिए अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया तो कुछ भी नहीं हटाना सब कुछ लिखना है ठीक है वही क्वेश्चन आपका जीएस में 25 शब्द का आ जाए वही 125 में और जिनके ऑप्शनल में है उनके भाई देखो पांच पेज का भी आ जाए और तो नॉलेज उस स्तर का होना जरूरी है और कोई कुछ विशेष नहीं है इस टॉपिक को आप पढ़ लेते हैं तो उसे याद हो जाता है अब जरूरी क्यों है सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी टिकाऊ लेकिन फार्मिंग से नहीं होगा कहने का मतलब खेती समझते हो ना सस्टेनेबल फार्मिंग जो लंबे समय तक चले लंबे समय तक वही चलेगी फर्टिलिटी इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन हो इसकी फर्टिलिटी और इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेंटेन हो

नहीं भाई सुमित सिर्फ नेशनल लेवल यह उत्पादकों की टिकाऊ आजीविका को प्रोत्साहित करता है हमेशा के लिए आजीविका बनाए रखता है उस खेत से साथ ही उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को भी सुरक्षित करता है भाई आज आप इतना केमिकल वाला फूड खा रहे हैं इसी वजह से तो हमारे अंदर हाई ब्लड प्रेशर हाइपर टेंशन है ना ब्लड कैंसर है ना डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम है बढ़ती जा रही है वो केमिकल का ही तो दुष्प्रभाव है तो ये हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखेगी फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल मिट्टी के भौतिक रासायनिक और जैविक स्वास्थ्य में सुधार करती है ज्यादा एक्सप्लेन करने की इसको आवश्यक नहीं है आप अच्छी तरह से जानते हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है पोल्यूशन यह प्राकृतिक संसाधनों के स्वस्थ उपयोग को बढ़ावा देता है नेचुरल रिसोर्सेज उनके स्वस्थ उपयोग को बढ़ावा देता है और प्रदूषण को कम करता है पॉल्यूशन को कम करता है ना भाई आप केमिकल यूज नहीं करेंगे तो पॉल्यूशन कम से कम ही होगा

यानी प्रणाली भीतर जैविक विविधता को बढ़ाती है और बनाए रखती है इट एंड सस्टेन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विद इन द सिस्टम सिस्टम कोई भी है उसके अंदर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बनाए रखती है कैसे बनाए रखती है एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं कि जैसे आप क्या है यहां पे केंचुए की खाद डालेंगे तो केंचुआ होगा सोयल के अंदर क्या है आप न्यूट्रिशन सप्लाई करने के लिए फर्टिलाइजर तो डालने वाले नहीं है तो बायो फर्टिलाइजर डालेंगे

जो विविधता जैसे जैसे डैमेज होती जाती है वैसे वैसे खतरा है वो बढ़ता जाता है वैसे वैसे चिंता है वो हमारी बढ़ती जाती है तो एक्सप्लेन करने को तो भाई एक घंटे इन्हीं वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग इज निसे कार्बनिक खेती की आवश्यकता क्यों है या क्यों आवश्यक है तो इस पर ही बात करते रहो एक घंटे लेकिन यहाँ पे बस आपको बताया है कि आपको ये बातें हैं वो मेन्शन करनी है अभी भी बहुत कुछ है इसके अंदर की करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती की प्रमुख विशेषताएं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव उसके बाद प्रिंसिपल्स और उसके बाद बेनिफिट और कंक्लूजन वो अपने कल की क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी आपकी जियो की क्लास है ना जियो की क्लास का टाइम हो गया तो वो क्लास हो गई इसलिए आज यहीं पर अपने रोकते हैं बाकी बचा हुआ मटेरियल है वो कल डिस्कस करेंगे ओके थैंक यू